आज एपिसोड 6 यानी कि छठवां एपिसोड। आज मैं बात करने वाला हूँ इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन से, यानी कि कंप्यूटर का विकास किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ, सारा कुछ हमें डिटेल में जानेंगे। और यहाँ पे जो है पिछले एपिसोड आप सारे देख कर आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। यदि नहीं देखोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कमेंट करे फिर कोई फायदा नहीं है। पिछले 5 एपिसोड बना कर आया हूँ, छठवां एपिसोड आज है। तो देखिए, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि पिछले एपिसोड की जो यहाँ पे हाइलाइट्स हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दी है, उन पे मैं यहाँ पे गौर नहीं करूँगा क्योंकि पिछले एपिसोड में बता कर आया हूँ उसकी जो हाईलाइट है। यदि आपको पढ़ना हो वीडियो रोक करके देख लो, पढ़ लो, ठीक है। ये पिछली वाली है और ये भी पढ़ लो, ठीक है। चलिए फिर आप इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, उम्मीद है आपने रोक कर पढ़ लिया होगा। चलो, और यदि आपको, हाँ मैं आपको बता दूं, ये जो जिस बुक से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इस बुक के बारे में यदि आपको डिटेल में जानना हो, यदि पूरी, मैं आपको जरूर कहूँगा एक बार इस बुक को जरूर चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। मैं यहाँ पे उसके बारे में नहीं बताऊंगा, चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। कंप्यूटर की जनरेशन देखिए 5 भागों में कंप्यूटर को जनरेशन के आधार पर बांटा गया। जनरेशन से मतलब यहाँ पे ये है कि जनरेशन हम उसको कहते हैं कि एक टेक्नोलॉजी आई और जैसे ही दूसरी टेक्नोलॉजी आई वहीं से एक जनरेशन खत्म हो गई, ठीक है। इस तरह से एक टेक्नोलॉजी आई, जैसे टेक्नोलॉजी गई फिर तीसरी जनरेशन स्टार्ट हो गई। इस तरह से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हुआ वैसे जनरेशन जो है बढ़ती गई। इस तरह से जनरेशन को यदि टोटल मिलाकर देखा जाए तो शुरुआत से अब तक 5 जनरेशन में कंप्यूटर को बांटा गया है, ये देखिए दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे सारे चार्ट आर्ट रेडी हैं, बस इनको जूम मैं कर लेता हूँ। चार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि जनरेशन कौन कौन सी आई है। तो यहाँ पे मैं और थोड़ा जूम, हाँ अब यहाँ पे जूम हो चुका है। तो फर्स्ट जनरेशन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1942 से 1955 के बीच में जो भी कंप्यूटर बने, जो भी कंप्यूटर के क्षेत्र में विकास हुआ, जो भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास हुआ उसको हम कहते हैं पहली जनरेशन के कंप्यूटर के विकास, ठीक है। जनरेशन पहली जनरेशन की कहाँ से कहाँ तक है, 1942 से 1942 से 1955 तक, 1955 तक, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसके जो हार्डवेयर जो इसमें थे पहली जनरेशन में हार्डवेयर जो यूज हुए उसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पहली जनरेशन में जो हार्डवेयर थे, सबसे पहले हार्डवेयर पे बात करेंगे, फिर सॉफ्टवेयर पे बात करेंगे, फिर इसके कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल देखेंगे कि उस जनरेशन में कौन से कंप्यूटर बने रहे। तो ठीक है, तो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहली जनरेशन में कौन कौन से हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ था। तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है चलिए उसको भी बता देते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब्स कुछ इस तरह से दिखता है, ये आपको बल्ब जैसा लग रहा होगा लेकिन वैक्यूम ट्यूब्स देखिए दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि वैक्यूम यानी कि एक ऐसा कांच का मतलब जैसे बल्ब का जैसे होता है वैसे कांच का ही होता है। उसके अंतर्गत दो पोटेंशियल होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक दूसरे के बीच में, उसमें करंट का फ्लो उधर से उधर करने के लिए एक बैलेंस, चूंकि बाहर का जो एनवायरनमेंट है, बाहर की जो हवा चल रही है, बाहर का कोई पर्यावरण का प्रभाव ना पड़े इसलिए अंदर ही अंदर हम करंट का फ्लो या वोल्टेज का प्रवाह या फिर किसी स्विच को स्विच करना, इस तरह की जो चीज़ें हैं यदि आप गलती में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इसे मैं आपको नहीं समझा सकता लेकिन आप इतना समझ सकते हो कि वोल्टेज के डिफरेंस को उधर से उधर मैनेज करने में, करंट के फ्लो को बनाए रखने में, और जिस करंट को हम जिस फ्लो से बहाना चाहते हैं, जिस चार्ज से हम करंट को फैलाना चाहते हैं उसको मेंटेन रखने के लिए हम वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। अभी कंप्यूटर के क्षेत्र में किस तरह से उपयोग होता था वो अब यहाँ पे नहीं बताने वाली चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा वो कहाँ बताया जाए। तो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था पहली जनरेशन में। मेन चीज ये है कि पहली जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, जो मोटी मोटी बात है वो मैंने आपको बता दी काम क्या ये करता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी के बारे में, जो कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में उपयोग होती थी फर्स्ट जनरेशन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी की बात की जाए तो ये कुछ इस तरह से होती थी, ठीक है। इसमें मेमोरी डेटा दरअसल स्टोर होता था, ये तो दरअसल कुछ भी नहीं है, इससे जब पहले जो था मेमोरी वो बहुत ही बड़ी बड़ी होती थी, मतलब ऐसे मान लीजिए कि बहुत मतलब बड़े बड़े डब्बा जैसे, और उसमें डाटा कुछ नहीं आता था तो इतना मतलब आवाज देख लो, आवाज चिप बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे चली गई। तो ये सब टेक्नोलॉजी है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी पहले चलती थी। फिर क्या चलते थे पहली जनरेशन में चलते थे पंच कार्ड, जो सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे इस्तेमाल होते थे। पंच कार्ड को सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। पंच कार्ड क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पंच कार्ड कुछ इस तरह से दिखते थे, ठीक है। और ये पंच कार्ड दरअसल एक तरीके से पंच जैसा कि नाम ही हो तो इसको पंच ठोक ठोक के पता नहीं कैसे मतलब इसमें डेटा जो है स्टोर कराया जाता था, ठीक है। तो ये है पंच कार्ड, सेकेंडरी स्टोरेज होता था, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज दो तरह के
कंप्यूटर में स्टोरेज होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज में रैम और रोम आती हैं, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, एसएसडी और बहुत सारी फ्लॉपी, हाँ मतलब जो इसे मान लीजिए जिनको हटा करके आप अलग से रख लेते हो, जैसे यूएसबी ले लीजिए आप अपनी पेन ड्राइव, उसको हटा कर अलग रख लेते हैं, तो ये सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आता है, जबकि जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वो कंप्यूटर में पहले से ही लगी रहती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्राइमरी स्टोरेज को हम हटा कर अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मैकेनिकल गिरी करके तो उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये इसका मतलब मेरा ये नहीं है, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो सेकेंडरी स्टोरेज अलग की जा सकती है, प्राइमरी स्टोरेज जो होती है कंप्यूटर में लगी लगाई जाती है। मेन मोटी मोटी बात ये है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में, हमने बात कर ली वैक्यूम ट्यूब्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, मेमोरी का उपयोग हुआ, पंच कार्ड का उपयोग हुआ सेकेंडरी में स्टोरेज के तौर पर। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में इसमें हाई मशीन लैंग्वेज का उपयोग होता था, मशीन और असेंबली लैंग्वेज का। मशीन और असेंबली लैंग्वेज जो है मतलब बहुत ही कठिन लैंग्वेज आप मान सकते हो इनका उपयोग होता था, ठीक है, जो एक साधारण आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, 0101 मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, और मशीन लैंग्वेज आजकल इसका उपयोग होता भी नहीं, मशीन और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, अब तो बस वो साधारण वाली लैंग्वेज आ गई है, उसको लिख दो वो ऑटोमेटिक जो है मशीन लैंग्वेज में, जो मशीनी लैंग्वेज देखिए क्या है, मतलब कंप्यूटर जो समझता है मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, असेंबली लैंग्वेज को ही समझता है, तो हम मतलब आजकल क्या चलता है, आजकल हम साधारण लैंग्वेज अपने सीख ली है उस लैंग्वेज को टाइप करते हैं, वही मशीन लैंग्वेज बदल देता है कंपाइलर या क्या उसको, हाँ तो कंपाइलर की तरीके से हम उसको हाई लैंग्वेज साधारण लो लेवल लैंग्वेज में बदलना हो या लो लेवल लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज में बदलना हो तो ये आजकल हो ही जाता है, ठीक है, तो अब इनका उपयोग ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आज नहीं उपयोग होता, आज भी होता है। हाँ तो मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज का उपयोग होता था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के रूप में, जो कि बहुत ही कठिन साधारण मतलब आदमी के समझ में नहीं आएंगे, जिसकी बैठक कायदे कानून की होगी वही पल्ले पड़ेगी, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में स्टोर्ड जो प्रोग्राम कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पे और एक चीज समझ लीजिए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में जो प्रथम जनरेशन में था उसमें प्रोग्राम जो होते थे वो ऑलरेडी स्टोर रहते थे, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। मोस्टली साइंटिफिक एप्लीकेशन ज्यादातर वैज्ञानिक कामों के लिए प्रयोग किया जाता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को। की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, मतलब इसके कुछ बढ़िया बढ़िया बातें देख लेते हैं प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। बल्कि थे साइज में, बहुत ही भारी थे, भारी भरकम, और इन पे विश्वास भी हम ज़्यादा नहीं कर सकते थे, मतलब लोचा लफड़ा कर देते थे, अनरिलायबल थे, ठीक है, गलती कर देते थे, लिमिटेड और कमर्शियल यूज के लिए थे और बहुत ही महंगे होते थे, कॉस्टली होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो तो हाँ डिफिकल्ट कमर्शियल प्रोडक्शन, और इनका जो प्रोडक्शन था उत्पादन था वो नहीं होता था ज़्यादा, बहुत ही कठिन काम था, डिफिकल्ट यूज थे यानी कि यूज करना भी बहुत कठिन काम था, ठीक है, अच्छे खासे आदमी के पल्ले नहीं पड़ेगा। और उसके बाद इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि उस जनरेशन में कौन से भी कंप्यूटर बने, इनियाक, एडवैक, एडसैक, यूनिवैक, आईबीएम 701, ये जितने भी कंप्यूटर मैंने बताए अभी आईबीएम 701 को छोड़ करके पिछले एपिसोड में हम डिस्कस कर चुके हैं, यदि आपको डिटेल में जानना हो पिछला एपिसोड देख कर आइए। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, आ जाते हैं सेकेंड जनरेशन में। तो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन चलती है 1955 से 1964 तक, ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आए 1955 से 1964 ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। अभी ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, तो ट्रांजिस्टर ये है, ट्रांजिस्टर एक तरीके के ये एम्पलीफायर होते हैं, देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, चलिए परिभाषा पढ़ लेते हैं। द ट्रांजिस्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांजिस्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाला मोस्टली, आप देखोगे इस तरह के ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, आप चार्जर देख लो, जो भी देख लो, सर चीज में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। काम क्या करते हैं, इवन इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैव मैनी थाउजेंड्स ऑफ देम विद इन, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ट्रांजिस्टर है ट्रांजिस्टर से बड़ा होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी जैसे कि आप मोबाइल में होती है, हर जगह होती है आईसी, कोई एक जगह नहीं, तो आईसी में जो होते हैं हजारों ट्रांजिस्टर होते हैं एक आईसी में, यानी कि आईसी जो है ट्रांजिस्टर से थोड़ा ऊपर साइड का है, तो आईसी में जो है एक इंटीग्रेटेड सर्किट में हजार संख्या में ट्रांजिस्टर मौजूद रहते हैं। तो कहा हाँ, माइनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड दियर सर्किट्स रिलाई ऑन सेंसर इन ऑर्डर टू फंक्शन, जैसे सेंसर क्या होते हैं, सेंसर में जो है ट्रांजिस्टर का ही उपयोग किया जाता है, जैसे सेंसर कैसे, जैसे मान लीजिए आप अपना फोन का एग्जाम्पल ले लीजिए कि फोन को जब आप उल्टा करते हो तो फोन की जो स्क्रीन है वो घूम जाती है, कैसे घूम जाती है कभी सोचा है, वो ऐसे घूमती है, जैसे मान लीजिए आपका एंगल है, जैसे मान लीजिए फोन में सेट कर दिया जाता है कि जैसे ही यूजर जो है अपने फोन को 90 डिग्री एंगल पे घुमाए वैसी जो स्क्रीन है उसको पोर्ट्रेट कर दो, और जैसे ही जो है अपने एंगल को 0 डिग्री सेल्सियस करे या फिर माइनस या फिर 360 डिग्री सेल्सियस घुमाए वैसे ही जो है जो फोन की स्क्रीन है उसको लैंडस्केप मोड में कर दो, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन उसको पहले से ही बता दी जाती है, तो वो सेंसर उसी तरह तर्ज पे जो है काम करने लगता है, ये सेंसर का काम जो है ट्रांजिस्टर का होता है,
ये मैं आपको बता दूं। तो ये होता है, कुल मिलाकर मैं आपको यूज बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसर का उपयोग इस तरह से होता है, ठीक है। और सेंसर जो होते हैं, मोस्ट सेंसर प्रोवाइड ओनली अ वेरी स्मॉल आउटपुट करंट और वोल्टेज। सेंसर देखिए काम कैसे करते हैं, सेंसर का मतलब होता है सेंस करना, और सेंस कैसे करेंगे। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ सेंस, तो फिर सेंस का मतलब ये होता है कि एक निश्चित, जैसे मान लीजिए आपका रेडियो है, रेडियो कैसे किसी चीज को सेंस करता है, आप किसी सिग्नल को लगाते हो कैसे पकड़ लेता है, पकड़ वो ऐसे लेता है कि फ्रिक्वेंसी निकलती है कि मान लीजिए 153 मेगाहर्ट्ज़ पे इस चैनल, ये चैनल जो है लगा हुआ है। अब जब वही चैनल आप लगाओगे उतनी फ्रिक्वेंसी जो है वो निकालेगा, उधर से इतनी आपने फ्रिक्वेंसी यहाँ से निकाली अपने डिस से, और उधर से उतनी फ्रिक्वेंसी पकड़ ली, चैनल लग गया। इसी तरह से तो काम चलता है, और है क्या, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे, आईसी भी कायदे कानून में समझ गए होंगे। ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है द्वितीय जनरेशन के कंप्यूटर में क्षेत्र में। मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी का उपयोग होने लगा था हार्डवेयर में, ठीक है। मैग्नेटिक टेप्स का उपयोग होने लगा था, मैग्नेटिक टेप्स देख लो, मैग्नेटिक टेप्स कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि पहले जो होते थे, मतलब जो पहले CD आते थे वो इस तरह से होती थी। इसमें जो टेप होता था ये पन्नी जैसे मतलब होता था, भूरे कलर ब्राउन कलर का, तो ये जो है टूट टट जाता था, तो फिर ये चलती चलती नहीं थी, ठीक है। तो ये होते थे मैग्नेटिक, हालांकि बहुत पुरानी है। और तो इस तरह से मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल होता था। ये सेकंड जनरेशन का मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सेकंड जनरेशन 1955 से 1964, और जो इसमें है डिस्क का उपयोग होने लगा, हालांकि डिस्क अभी बहुत ही एडवांस आएंगी, अभी तो ये डिस्क सिर्फ एक शुरुआत का चरण था। सेकेंडरी स्टोरेज में डिस्क का उपयोग होने लगा था, डिस्क बहुत तरीके की होती है, आपको पता चलेगा जब आने वाले एपिसोड में, अभी यहाँ पे डिटेल में जिसके कोई फायदा नहीं। और अब यहाँ पे आ जाओ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में सेकंड जनरेशन में था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होने लगा था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरह से काम करता है, क्या प्रॉफिट क्या लाभ, ये सारा आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। अभी आप बस इतना याद कर लो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होने लगा था। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है इसमें उपयोग होने लगा था। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ध्यान दिया जाए इसमें शब्द को, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे मशीन और असेंबली लैंग्वेज हट करके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने लगा प्रयोग, ठीक है। लेकिन अभी हाई लैंग्वेज है, ये भी पल्ले नहीं पड़ेगी। साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन में उपयोग होने लगा। पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका ज्यादातर वैज्ञानिक कामों में, लेकिन यहाँ पे जो है कंपनी के बिजनेस या फिर कमर्शियल यूज में इसके इस्तेमाल होने लगा। इसकी कुछ हम अच्छी अच्छी बातें देख लेते हैं, जैसे कि जो ये जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो फास्ट थे पहली जनरेशन के मुकाबले, छोटे थे पहली जनरेशन के मुकाबले, मोर रिलायबल थे, बहुत ज्यादा भरोसेमंद थे, ठीक है। और भरोसेमंद का मतलब ये है कि आप ठीक ठाक कैलकुलेशन कर लेते थे, एंड इजी टू प्रोग्राम, और इजी था इनको प्रोग्राम करना, ठीक है। देन प्रीवियस जनरेशन, यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि इनको प्रोग्राम करना बहुत ही इजी था, जबकि पहले जो कंप्यूटर थे उसमें ऑलरेडी पहले प्रोग्राम कराया था फर्स्ट जनरेशन में। तो ये था सेकेंड जनरेशन में अपग्रेड आया। कॉमर्शियल प्रोडक्शन लेकिन अभी भी डिफिकल्ट था और बहुत ही कॉस्टली था, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल है ये देख लो, पढ़ लो, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन कहा जाता है 1964 से 1975 के बीच के क्षेत्र, 1964 से 1975 के कालक्रम में जो भी आविष्कार हुए उनको कहा जाता है थर्ड जनरेशन। इसमें देखिए टेक्नोलॉजी बदलेगी तभी देखिए यहाँ पे जनरेशन बदलेगी, तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे बदल चुकी है। क्या बदल चुकी है, 1964 से 1975 के बीच के 1964 से 1975 के बीच के जमाने को कहते थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की, तीसरी जनरेशन, तृतीय पीढ़ी। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांजिस्टर से हट करके आईसी पे काम होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अब मैं नहीं बताऊंगा। आईसी का मतलब ये है कि उसमें हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर होते थे, ठीक है। और आईसी के साथ ही जोड़ दो SSI और MSI टेक्नोलॉजी को, और लार्जर मैग्नेटिक कोर्स, यहाँ पे देखिए पहले मैग्नेटिक कोर्स का इस्तेमाल होता था, अब यहाँ पे मैग्नेटिक कोर्स की संख्या बढ़ गई, अब लार्जर हो गया। तो मैग्नेटिक कोर्स ये देख लो, मैग्नेटिक कोर्स ये इस तरह की होती थी, ठीक है। इसमें पहले छोटा मतलब ये घुमा घुमा के बनाए गए, फिर एकदम मार एकदम चपका चपकोई गए, मतलब एकदम, ठीक है। तो ज्यादा बड़ी हो गई, लार्जर, तो ज्यादा डेटा में स्टोर होने लगा, तो थर्ड जनरेशन में ये होने लगा। लार्जर कैपेसिटी की डिस्क बनने लगी, ठीक है। और मैग्नेटिक टेप्स का जो है इस्तेमाल होने लगा सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर, मैग्नेटिक टेप्स। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ वरना दिखेगा कुछ नहीं, तो ये जो है साफ। और मिनी कंप्यूटर यहाँ पे आने लगे, ठीक है। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, मैं आपको एपिसोड सेकंड शायद थर्ड में पढ़ाया रहूंगा, आप बताने की जरूरत ही नहीं, पिछले एपिसोड देख कर आइए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है द्वितीय जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होने लगा। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी आ रहे हैं सारे आपको पढ़ने को मिलेंगे आगे, ठीक है। यदि आपको
अभी यदि जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको परचेज करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार उस बुक को चेकआउट जरूर कर लें। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में बात करें तो यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया और स्टैंडर्डाइजेशन हो गया हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और बढ़ोतरी हुई, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम हार्डवेयर, मतलब क्या हुआ अनबंडलिंग, अनबंडलिंग का मतलब बंडल को खोल दो। अब यहाँ पर इसे तो समझ में आएगा नहीं, मतलब इसका ये हुआ कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पहले क्या थे एक ही में चिपके रहते थे कि अब दूर नहीं कर सकते कि सॉफ्टवेयर उसी में रहेगा हार्डवेयर उसी में रहेगा और एक से दूसरे में इंटरचेंज नहीं होगा, लेकिन अब क्या हुआ आप सॉफ्टवेयर को अलग कर सकते हो हार्डवेयर को अलग कर सकते हो, ये खूबी आ गई। ठीक है, थर्ड जनरेशन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसकी कुछ हम अच्छी अच्छी बातें देख लेते हैं, जैसे कि हम ऐसे ही देखते हैं तो फास्टर हो गए पिछली पीढ़ियों के मुकाबले, छोटे हो गए, मोर रिलायबल हो गए, ईजियर हो गए और चीप हो गए। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि सस्ते हो गए, अब इतना सस्ता नहीं कि 5 के 2 मिलने लगे, मतलब सस्ते हो गए। ठीक है, और कमर्शियल यूज में, कमर्शियल यूजर टू यूजर एंड यूजर टू ग्रेटर देन प्रीवियस जनरेशन, हाँ तो इसमें जो है कमर्शियल उपयोग में आने लगे और प्रीवियस जनरेशन से काफी सुधार इसमें आया है। साइंटिफिक और कमर्शियल, अभी वही देखिए एग्जाम्पल है, साइंटिफिक कमर्शियल का तो उपयोग होने लगा था सेकेंड जनरेशन में, लेकिन यहाँ पे एक और नई चीज जोड़ दी गई है कि इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन बनने लगी। ठीक है, इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन, चलिए ये चीज हुई। थर्ड जनरेशन खत्म, आ जाओ फोर्थ जनरेशन में, उसके बाद फाइव जनरेशन और वीडियो खत्म। फोर्थ जनरेशन में आया, फोर्थ जनरेशन कहा जाता है 1975 से 1989 को, फोर्थ जनरेशन में काफी कुछ हुई चीजें। ठीक है, उसी में शायद हाँ माइक्रोसॉफ्ट, तो ठीक है चलिए फोर्थ जनरेशन है 1975 से 1989 के बीच की पीढ़ी को हम चतुर्थ जनरेशन कंप्यूटर के क्षेत्र में कहते हैं। यहाँ पे आईसी का इस्तेमाल तो हुआ, साथ ही वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा आईसी के साथ, जिससे क्या हुआ इनकी क्षमता जो है वो और बढ़ गई। वीएलएसआई टेक्नोलॉजी क्या होता है, वीएलएसआई देखिए उपयोग हुआ है फोर्थ जनरेशन में, यूएलएसआई उपयोग होने लगेगा फिफ्थ जनरेशन में। वीएलएसआई का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब बहुत ही ज्यादा उस पर उत्पादन होने लगा। ठीक है, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा आईसी के साथ। माइक्रो प्रोसेसर आ गए, यानी कि जैसे आजकल इंटेल ले लो, ठीक है, इंटेल i3, इंटेल i5, इंटेल i7, इंटेल i9, ये जो माइक्रो प्रोसेसर आए, यानी कि सेमी कंडक्टर मेमोरी आने लगी। इंटेल जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो बने किसके होते हैं, सेमी कंडक्टर के बने होते हैं, और उसमें कोई नई बात थोड़ी ना, सेमी कंडक्टर मेमोरी आ गई। चलिए, लार्जर कैपेसिटी हार्ड डिस्क आ गई, अब जो है हार्ड डिस्क देखिए कहाँ, हार्ड डिस्क छोटे से शुरू हुई थी, फिर हार्ड डिस्क देखिए लार्जर होते हुए लार्जर ही हो चली जा रही। तो हाँ, तो मैग्नेटिक टेप्स एंड फ्लॉपी डिस्क आ गई, देखिए मैग्नेटिक टेप्स तो पहले भी था, अब यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क आ गई जो पोर्टेबल थी। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क मतलब एक तरीके डिस्क होती है जिसमें आप डेटा स्टोर कर लो और फिर उसको जहाँ पाओ उसमें, मतलब कोई इधर कंप्यूटर में लगा करके मतलब कर सकते हो कोई भी काम। ठीक है, ये डेटा मतलब उधर से उधर कैरी ले कर सकते हो। पर्सनल कंप्यूटर आ गए, जैसे आजकल के कंप्यूटर जो आपके होते हैं साधारण कामों के लिए वो पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। सुपर कंप्यूटर यहाँ पे आ गए, ठीक है, और यहाँ पे हाई स्पीड बढ़ गई कंप्यूटर के नेटवर्क के बीच में, और ये चतुर्थ जनरेशन चल रही है। अब सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में देखते हैं क्या क्या यहाँ पे जो है 30 मार्क वाले काम हुए हैं। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, अभी तक आपने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे GUI ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ये हुआ कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आ गया, जिसका मतलब ये हुआ कि अब जो आपकी एप्लीकेशन, जैसे GUI क्या होता है ग्राफिक कार्ड, जैसे कि आप देखते होंगे वीडियो गेम आपके जो होते हैं उसमें हाई लेवल की ग्राफिक्स कार्ड का उपयोग होता है, और कोई छोटे मतलब जो जैसे कोई आम साधारण कंप्यूटर है उसमें बढ़िया गेम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, क्योंकि उसके पास ज्यादा ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, कैपेसिटी नहीं ज्यादा, और उसके लिए हाई पावर चाहिए होता है, जैसे एनिमेशन ले लो, कार्टून ले लो, तो इसके लिए GUI सिस्टम चाहिए होता है। GUI यहाँ पे आया तो जिससे क्या है वीडियो गेम में बढ़ोतरी होगी। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि जिसमें मल्टी काम हो चुके, एक ही समय में कुल काम कर लो, और एक साधारण और ऐसी यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई जो एक समझने योग्य हो आम आदमी के। ठीक है, अब कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे आ गई। एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पे आया, ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्थ जनरेशन में जो लिखा गया था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए पुरानी लैंग्वेज, इसलिए आपको हर जगह यही सिखाई जाती है। ठीक है, यदि आपको पाइथन और HTML वगैरह HTML लैंग्वेज नहीं है तो पाइथन यदि लैंग्वेज आपको सीखनी हो तो आप हमारे चैनल पर सीख सकते हो, एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जो है एंड प्रोग्रामिंग वो भी देखिए होने लगी,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है कि किसी से ऑब्जेक्ट को हम अपनी प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर दें, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। और जैसे मान लीजिए आपके कोई कुत्ता बिल्ली बैल जो भी है, उसको यदि आप चाहो तो ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, मतलब कोई भी चीज़ है उसको सबको ऑब्जेक्ट ही कहते हैं, ठीक है। चाहे आप घर ले लो, मकान ले लो, सब वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम एक प्रोग्रामिंग के तौर पर उसमें लिख दें और उससे हम चाहें तो कोई भी चीज़ को इनहेरिट करा सकते हैं, उसी को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। यदि आपको नई पल्ले पड़ रहा है तो आप एक काम करो, इसी भी मतलब इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने बताई, उसमें मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाई है, उसको देख लीजिए जाकर, आपको पल्ले पड़ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यदि आपको साधारण समझना है तो आप ऐसे समझ लो, किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख दें और उसको जैसे पाएं उसके हाथ नाक कान मुंह से, मतलब उसके कंपोनेंट से उसको इनहेरिट करा लें, उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ सकते हैं। जानना जानना हो तो देख लो जा करके। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का बात करें तो पीसी नेटवर्क बेस्ड होने लगा, ठीक है। सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस आने लगी, मतलब काफ़ी अच्छी बढ़िया गणना इस्तेमाल। और हाँ, की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो उसकी, छोटे हो गए, अफोर्डेबल हो गए, आम आदमी खरीद सकता था, रिलायबल हो गए एंड इजी टू यूज हो गए पीसी, मोर पावरफुल एंड रिलायबल मेन फ्रेम सिस्टम्स एंड सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम सिस्टम एंड सुपर कंप्यूटर, टोटली जनरल पर्पज मशीन, साधारण काम के लिए मशीन आ गई, इजियर टू प्रोड्यूस कमर्शियली, आसानी से कमर्शियल प्रोड्यूस होने लगे, ठीक है। इसी समय देखिए माइक्रोसॉफ्ट आया हुआ है, यदि याद हो, इजियर टू अपग्रेड, अपग्रेड करना आसान हो गया, रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल हो चुका, मतलब बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर अब यहाँ पे जो है डेवलपमेंट चालू होगा। ये देख लो इसके एग्जांपल है, इस समय कौन कौन आया, एप्पल सेकेंड, आईबीएम पीसी एंड इट्स क्लोन्स, क्रे वन, क्रे टू, ये सारे देखिए जो है, देखिए क्रे, देखिए क्रे वाला आ गया, मतलब यहाँ पे देखिए सुपर कंप्यूटर जैसे ही बना तो यहाँ पे क्रे देखिए आया है, जो मैंने आपको पढ़ाया था सुपर कंप्यूटर वाले में कि क्रे बनाया गया था 1975 में रोजर क्रे के द्वारा। चलिए अब आ जाते हैं फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन जो है 1989 से स्टार्ट होती है, पांचवी जनरेशन 1989 से अब तक चलती है, ठीक है। पांचवी जनरेशन 1989 से स्टार्ट हुई और अभी तक चली रही है, ठीक है। और आईसी जो है वो अल्ट्रा लार्ज यूएलएसआई टेक्नोलॉजी के साथ काम करती थी। मैं यहाँ पे बता दूं, आईसी टेक्नोलॉजी अभी भी है लेकिन यहाँ पे यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हुआ है, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, आईसी के साथ यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा। लार्जर कैपेसिटी, मेन मेमोरी, वही सब चीज है, हार्ड डिस्क और रेड सपोर्ट, हार्ड डिस्क जो है रेड सपोर्ट के साथ आ गई। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क जैसे आप मान लीजिए वो सीडी वाली जो डिस्क होती है, जैसे ना सीडी वाली कॉम्पैक्ट डिस्क जो आपके चक्का वाली होती है ना, मतलब गोल गोल, मतलब घूम जाती है जो एकदम, मतलब उसमें लगाओ, मतलब सीडी आपने देखी होंगी, ठीक है, वही वाली चक्का वाली, ठीक है, वही वाली, तो वही ऑप्टिकल डिस्क उसका एक एग्जांपल है। एज पोर्टेबल रीड ओनली स्टोरेज, उसको जो है चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे सीडी वाली देख लो तो उसमें कभी चेंज होता नहीं होता है, एक बार पिक्चर देख ली तो उसको 10 बार देख सको लेकिन उसमें चेंज नहीं कर सकते, तो वही ऑप्टिकल डिस्क आ गई फिफ्थ जनरेशन में, जो अभी चल रही जनरेशन 1989 से अब तक की। नोटबुक आ गई, पावरफुल डेस्कटॉप आ गए, आजकल आप देख ही लो तो आजकल जो भी है वो फिफ्थ जनरेशन में ही है। वर्क स्टेशन, पावरफुल सर्वर आ गए, सुपर कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट आ गया, क्लस्टर आ गया, इंटरनेट देखो 1989 के बाद आया, माइक्रो कर्नल बेस्ड मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम, डिस्टर्ब्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत उच्च लेवल के ऑपरेटिंग सिस्टम आए, पैरेलल प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज आ गई लाइक MPY, MPI, PBM, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग आ गई, ठीक है, पैरेलल प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज क्या होती है, जैसे पाइथन में जो है लाइब्रेरीज उसकी तरफ से ही मिलती है, जिसमें क्या होता है आपकी कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाता है, जिसमें सारी चीज़ें हैं वो खुद ही लिख देता है, बस आपको थोड़ा बहुत चेंज करना रहता है, यानी कि एक आपको एनवायरनमेंट दे दिया जाता है, उस पर आराम से लिख सकते हो, आसान कर देता है आपकी कोडिंग को। लाइब्रेरीज आप ऐसे समझ लीजिए, MPI और PBM याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं किस लैंग्वेज की किसकी लाइब्रेरीज है, पता नहीं। तो जावा जो है इसमें लैंग्वेज आई, जावा और पाइथन, ये सब पाँचवीं पीढ़ी है। और वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www.sat.com वाली जो वेबसाइटें हैं वो आई, मल्टीमीडिया इंटरनेट आया, एप्लीकेशंस आई, कॉम्प्लेक्स सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस आई, पोर्टेबल कंप्यूटर आ गए, ठीक है, पावरफुल और सस्ते हो गए, चीपर हो गए, रिलायबल हो गए, इजियर टू यूज हो गए, पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स आए, हाई अप टाइम ड्यू टू द हार्ड प्लगेबल कंपोनेंट्स, टोटली जनरल पर्पज मशीन, साधारण काम के लिए मशीन, प्रोड्यूस कॉमर्शियली, कॉमर्शियल यूज बढ़ गया, और रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल हो चुका, बहुत तेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और उसके एग्जाम्पल ये दिए। चलिए काम खत्म, अब यहाँ पे आ जाओ कुछ सवाल जवाब।
देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देते हैं। और इसी जनरेशन से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ सवाल यहाँ पे देखेंगे। तो द लैंग्वेज यूज इन इनियाक, इनियाक में इनियाक जो कंप्यूटर था 1945 तरफ जो आया था उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी, पिछले एपिसोड में मैं पढ़ा चुका हूँ ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उसमें लैंग्वेज जो यूज हुई थी वो हुई थी बेसिकली इनियाक वाज ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड दियर फॉर द करेक्ट आंसर इज 1GL। तो यहाँ पे जो है इनियाक में 1GL जो है ये आंसर ठीक है, ठीक है। इनियाक जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, पहला जनरेशन कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था इनियाक, इसमें 1GL लैंग्वेज जो है यूज हुई थी। विच अमंग दीज विल हैव BLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, किसमें था, तो क्रे फर्स्ट में होना चाहिए, नहीं ऑल ऑफ दीज आर एवम में है ठीक है, यानी कि इन तीनों कंप्यूटर में VLSI टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ में, और ये थर्ड जनरेशन थी, नहीं फोर्थ जनरेशन थी ठीक है कंप्यूटर की, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा कर आया। यू कैन यूज जावा इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग जनरेशन, यू जावा को आप किस जनरेशन में उपयोग कर सकते थे, तो फिफ्थ जनरेशन में जो है जावा लैंग्वेज आई पांचवीं जनरेशन में। ULSI टेक्नोलॉजी जो है इन इज प्रेजेंट इन विच जनरेशन, ULSI टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में आई, पांचवीं जनरेशन में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, हालांकि ये बहुत ही हलवा है, यदि आपको डिटेल में पहला चैप्टर चल रहा है ठीक है, यदि आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए तो आपको सारे जो है इस बुक को खरीदने के बाद ही मिलेंगे, सारी डिटेल इस बुक में है, आप इस बुक को जरूर चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, समझ आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जितना शेयर करें।